अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आपका कार्ड एटीएम मशीन में फंस जाए तो क्या करना चाहिए। और इसमें यह भी बताएंगे कि ये एटीएम मशीन कब ईजाद हुई, किसने ईजाद की, सबसे पहले किस मुल्क में लगाई गई और सबसे पहले किस आदमी ने इसमें से पैसे निकाले अपने एटीएम कार्ड के ज़रिए। एटीएम कार्ड हमारी एक ख़ास और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एक आम ज़रूरत बन चुका है। अगर वालदैन खुद नहीं जा सकते तो वो अपने बच्चों को एटीएम कार्ड देकर भेज देते हैं और यूँ आसानी से वो रकम एटीएम से निकाल लेते हैं। ये मशीन 27 जून 1967 को दुनिया की पहली ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी एटीएम लंदन के इलाके एनफील्ड में बार क्लीज बैंक में लगाई गई थी। इससे रकम निकालने वाले पहले शख्स टीवी फनकार रे ग्वार्नी थे। इस वक्त प्लास्टिक के कार्ड नहीं होते थे, इसलिए मशीन से पैसे निकालने के लिए चेक के इस्तेमाल होते थे जिन पर हल्का सा कार्बन लगाया जाता था। मशीन चेक और पिन नंबर का मुवाजना करके रकम अदा करती थी और अब ये पूरी दुनिया में करोड़ों की तादाद में पाई जाती है और बआसानी इस्तेमाल भी की जा रही है। लेकिन इसी दौरान आपको खूब एहतियात भी रखनी चाहिए क्योंकि अक्सर एहतियात ना करना पड़े फ्रॉड में फंसा देता है। एटीएम कार्ड के ज़रिए रकम निकालने या जमा कराने के बाद अपना कार्ड लेना ना भूलें। एटीएम की रसीदों को मशीन के पास ना छोड़िए, इनको या तो अच्छी तरह फाड़ दें या फिर अपने पास रखें। इसी तरह आप अपने कार्ड को गैर कानूनी इस्तेमाल से बचा सकते हैं और आपको इस तरह अपने तमाम लेन देन का हिसाब भी पता लगता रहता है। अगर आपका कार्ड एटीएम मशीन में फंस जाए तो किसी से मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे बेहतर ये है कि आप फौरी तौर पर बैंक को बजरिए फ़ोन या ब्रांच को मतलब करें तो आपको अच्छी तरह से मुहैया कर देंगे या आपको आपका कार्ड किसी तरीके से निकाल कर दे देंगे।